घर छोड़ने के लगभग 5 साल बाद नीलकंठ पूर्वी भारत में जगन्नाथपुरी पहुंचे। यहां के राजा मुकुंद देव नीलकंठ से मिले और उन्हें रथ यात्रा के उत्सव में आने का निमंत्रण दिया। जगन्नाथपुरी के इसी रथ यात्रा उत्सव की विशाल भीड़ और विशाल रथ ने जन्म दिया अंग्रेजी के शब्द जगरनॉट को। पच्चीस सौ वर्ष पुराने इस उत्सव का दर्शन करने भारत के कोने कोने से कोई 10 लाख यात्री आते हैं। भारत में उत्सव आध्यात्मिक आनंद की अभिव्यक्ति है जो कभी संस्कृत मंत्रोच्चार से व्यक्त की जाती है। नए साल की शुरुआत होती है अन्नकूट उत्सव से, जिसमें हजारों शाकाहारी व्यंजन भगवान को अर्पण किए जाते हैं। प्रकाश का उत्सव दिवाली, जिसे आसुरी पर दैवी तत्व एवं अंधेरे पर प्रकाश की विजय के रूप में मनाया जाता है। पूरा भारत जगमगाते दीपों और आतिशबाजियों के साथ आनंद से भर जाता है। और ये रंगों का त्योहार होली, चरम आनंद और हर्षोल्लास का अवसर।